सब्सक्राइब कीजिए ज्योति स्मार्ट किचन को और बेल आइकन प्रेस कीजिए नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी मटर मैगी। आप इसे एक बार घर पर जरूर बनाइएगा, आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही चटपटी और टेस्टी मैगी बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। उसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच तेल। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो अब हमें इसमें डालना है एक टीस्पून जीरा। जीरा को फ्राई करके लेंगे। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा, हमें इसमें डालना है एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है, तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देते हैं ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। लेकिन हाई फ्लेम कर दी तो प्याज को एक जैसा चलाते भी रहे, नहीं तो प्याज जल सकता है। तो ये देखिए, प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट दिखने लगा है, तो मैंने इसमें डाल दिया है एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब हमें 1 से 2 मिनट तक या फिर अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने तक एक जैसा चलाते रहना है। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। मिलाते हैं। अब हमें यहाँ पे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो गैस की फ्लेम स्लो करके इसको ढक के रख देते हैं 3 से 4 मिनट तक। ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, नहीं तो टमाटर जल सकते हैं। 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं। फिर से एक बार ऐसे मिलाते हैं और गैस के फ्लेम स्लो करके इसमें डाल देंगे मसाले। तो एकदम बेसिक से मसाले हैं। तो ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और एकदम चटपटा टेस्ट आने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर या फिर आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा ध्यान से, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है। मिलाते हैं। 1 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, सारे मसाले प्याज टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब हमें इसमें डालना है पानी। मैंने यहाँ पे मैगी के 2 पैकेट लिए हैं और 1 पैकेट का प्राइस है 12 रुपीज़। तो ऐसे 2 पैकेट के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी। अगर आपको जूसी मैगी पसंद है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन इतने पानी में मैगी हमारी अच्छी बन जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप फ्रेश मटर। मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, अगर आप चाहे तो सिर्फ 1/2 कप भी फ्रेश मटर ले सकते हैं या फिर फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। फ्रेश मटर को पकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे हम ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट तक। और 4-5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। हमारे मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। यहाँ पे 2 पैकेट नूडल लिए हैं। अगर आपको लंबे लंबे नूडल्स पसंद है तो आप इसे बिना तोड़ के ही डाल दीजिए। और ये मैगी के पैकेट के साथ जो मसाला मिलता है ना टेस्ट मेकर, वो भी 2 पैकेट डाल देंगे। और बस मिलाते हैं। अब हमें इसको ढक के रखना है बस 2 मिनट तक। और यहाँ पे बस स्लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट तक ये ढक के रख दिया था। फिर से एक बार इसे मिलाते हैं। अब हमें इसको बिना ढके ही 1 मिनट तक कुक करके लेना है। यहाँ पे आपने ज्यादा पकाया या फिर ढक के पकाया तो मैगी हमारी ज्यादा चिपचिपी हो सकती है, इसलिए इसे 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी मैगी तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी मटर मैगी तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए, आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। और पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।